कोरोना वायरस के चलते जनसेवा के काम कई संस्थाएं कर रही हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के तत्वाधान में भी जनसेवा का काम जोर शोर से किया जा रहा है। विगत एक माह से जनसेवा का काम ये कर रही हैं, जिसके तहत लोगों को समय पर दो समय का भोजन उपलब्ध करवाना संस्था का अहम कर्तव्य बना हुआ है। निस्वार्थ भाव से संस्था के सभी लोग एक साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। वहीं इन दिनों रमजान का पाक माह चल रहा है, जिसमें रोजेदारों के लिए इफ्तार व सहरी के समय भोजन की व्यवस्था के साथ साथ फल फ्रूट आदि की सुविधा कमेटी के द्वारा करवाई जा रही है। रोजाना करीब 5,000 भोजन के पैकेट अस्पताल बस्तियों व जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दस्तरखान पे इसी तर्ज पे जो कोरोना के बाद हालात बदले हैं और लॉकडाउन हुआ है, उसमें हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक जो विभाग है उसके चेयरमैन आबिद काजी साहब के नेतृत्व के अंदर एक टीम गठित हुई है और पूरे राजस्थान भर के अंदर तो अलग अलग ज़िलों में कस्बों में काम चल ही रहा है, लेकिन ख़ासकर कोटा के अंदर जहां जहां इस तरह की ज़रूरतें हैं लोगों की, वो प्रशासन के जरिए भी व्यवस्थाएँ करवा के यहाँ पर ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो हमारे खाने के पैकेट जा रहे थे, हमने उसमें जो पूड़ी और जो रोटी वगैरह है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, ताकि आदमी उसको शहरी में भी काम में ले सके। और हमने केरी की लोंजी एक स्पेशल वो बनाई है, जो कि ख़राब नहीं होती, 2-3 रोज तक रह जाती है, वो शहरी के लिए हमने यहाँ पर लोगों के लिए मुहैया करवाई है। और अफ्तारी के अंदर केला है, एक फ्रूट्स है और वो वेफर्स वगैरह हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में पिछले 33 दिनों से पूरे राजस्थान भर में मानव सेवा के लिए खाना के किट का वितरण जारी है। कोटा यूनिट की तरफ से भी पिछले 32 दिनों से लगभग 4,500 खाने के पैकेट का वितरण प्रशासन द्वारा बताए गए 15 से 16 इलाकों में बांटे जा रहे हैं। इसमें ना तो कोई जाति देखी जा रही है, ना कोई धर्म देखा जा रहा है।